हे गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारे सामने टोटली न्यू यामा MT-15 वर्जन 2 है, जिसका कि आप हर एक कलर को देख सकते हैं और हर एक मॉडल आपके सामने अवेलेबल है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस बाइक के हर एक कलर में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा और हर एक मॉडल में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, चाहे उसके प्राइस के मामले में हो, चाहे उसमें आपको क्या क्या फीचर्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं आपको हर एक कुछ बताने वाला हूँ इस बाइक के रिलेटेड, और साथ साथ हम लोग इस बाइक का वॉकराउंड रिव्यू भी करने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। मैं शोरूम का हर एक डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप शोरूम विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आके आप किसी भी बाइक को चूज कर सकते हैं। सबसे पहला कलर जो देख सकते हैं जो कि आपको व्हाइट कलर, जिसका कि कंपनी नाम देती है आइस ब्लू वर्मिनियल कलर, उसके बगल में देखें तो जो आप देख सकते हैं मेटेलिक ब्लू कलर, उसके बगल में आप देख सकते हैं सियान स्टॉर्म कलर, जो कि आपको टोटली न्यू कलर देखने को मिलेंगे। और इसमें जो दूसरा मॉडल आता है जो कि आपको मॉन्स्टर एडिशन का आता है, ये भी आपको टोटली ब्लैक कलर में ही मिलेंगे, बट इसमें आपको टोटली न्यू स्टिकर देखने को मिलेगा। और इसका जो पाँचवा कलर आता है जो कि आप देख सकते हैं टोटली मेटेलिक ब्लैक कलर का ऑप्शन रखा गया है। इन हर एक बाइक के फ्रंट के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको 282 mm का डिस्क देखने को मिल जाएगा। फ्रंट टायर आपको 180 सेक्शन का देखने को मिलेगा। टायर में आपको कोई भी चेंजेज नहीं मिलेंगे। फ्रंट में आपको 37 mm का USD फोक्स देखने को मिलेगा, जो कि आप गोल्डन कलर में इसका USD फोक्स देख सकते हैं। काफ़ी द सूटेबल लगता है और काफ़ी द एग्रेसिव देखने में लग जाता है। फ्रंट में आपको फुली LED लाइट सेटअप देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टर में आपको लाइट दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पीस आपको LED DRLs देखने को मिलेंगे। इंडिकेटर्स आपको हेलोजन में ही दिया गया है। और फ्रंट लुक हर एक बाइक का आप देख सकते हैं टोटली आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगा। हर एक बाइक में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। 139 kg का वेट रखा गया है। 810 mm का सीट हाइट देखने को मिलेंगे और 170 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। हर एक बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको मीटर कंसोल के भी दिखाने वाला हूँ, उसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। हर एक बाइक में आपको 155 cc का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि आपको 18.4 PS का पावर जनरेट करने वाला है और 14.1 Nm का टॉर्क जनरेट करने वाला है। इंजन आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOHC BS6 FI, जो कि आपको लिक्विड कूल्ड के साथ देखने को मिलेगा। हर एक बाइक में आपको VVA टेक्नोलॉजी भी दिया गया है, जो कि काफ़ी आपको मदद करता है इसके टॉप एंड में। इसमें आपको माइलेज 42-45 km/L का आपको माइलेज आराम से देखने को मिल जाएगा। 138 km/h का इसमें आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाएंगे। हर एक बाइक में आपको 6 गियर का ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसके साइड पैनल की ओर देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाइट कलर का साइड पैनल, यहाँ पे आपको MT का लोगो देखने को मिलेगा ऑरेंज कलर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं MT-15 का आपको स्टिकर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यामा का आपको रबर फिनिश में लोगो देखने को मिल जाएगा। टैंक में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है और यहाँ पे भी देख सकते हैं आपको माइनर सा स्टिकर देखने को मिलेगा। सीट काफ़ी ज़्यादा छोटा रखा गया है, जिस वजह से राइडर के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बट पिलियन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन में इसका ग्रैब हैंडल्स दिया गया है। रियर टायर आपको 140 सेक्शन का मिलता है और इसका आप एग्जॉस्ट देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्जॉस्ट दिया गया है। रियर में भी आपको 17 inches का अलाउंस मिलता है और रियर में आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर एक बाइक का आप रियर सेक्शन की ओर देखें तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे रियर सेक्शन में। LED में आपको टेल लाइट्स देखने को मिलेगा। इंडिकेटर्स आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेंगे। इस जगह पर आप अपना नंबर प्लेट लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मेटेलिक ब्लू कलर, उसका भी आप अलाउंस देख सकते हो, जो कि आपको ब्लू कलर में मिलता है। ये आप देख सकते हैं सियान स्टॉर्म कलर, उसका भी अलाउंस आपको बॉडी कलर से मैच करता हुआ दिख जाएगा। ये आपको मॉन्स्टर एडिशन है, इसमें आपको चेंजेस यह देखने को मिलेंगे कि इसमें आपको स्टिकर टोटली न्यू देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनोस का आपको स्टिकर देखने को मिलेगा। नीचे की ओर देखें तो रेप्स और हट का आपको स्टिकर देखने को मिलेगा। इसके साइड पैनल की ओर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉन्स्टर एनर्जी का आपको स्टिकर, और यहाँ पे जो यामा का लोगो मिलता है वो आपको टोटली गोल्डन फिनिश में देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको स्टिकर देखने को मिल जाएंगे और यहाँ नीचे की ओर देखें तो यहाँ पे आपको यामा लूप का स्टिकर दिया गया है। अदरवाइज हर एक मॉडल में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे स्टिकर के अलावा। इसके टैंक की तरफ देखें तो यहाँ पे भी आपको टोटली न्यू स्टिकर देखने को मिलेंगे, यामा आपको फैक्ट्री रेसिंग का एडिशन। और ये जो बीच वाला आपको पैनल मिलता है ये आपको टोटली न्यू देखने को मिलेगा मॉन्स्टर एडिशन में, जो कि इसमें आपको ब्लू कलर का मिलते हैं, बट इसके अदर मॉडल में देखें तो आपको बॉडी कलर से ही मैच करता हुआ दिख जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सियान स्टॉर्म कलर, उसका आप देख सकते हैं ब्लू कलर, उसमें आप देख सकते हैं टोटली ब्लैक कलर का ऑप्शन दिया गया है। हर एक मॉडल के प्राइस के बारे में बात करें तो हर एक मॉडल का ऑन रोड प्राइस 1,99,000 rupees रखा गया, बट आपके मॉन्स्टर एडिशन के लिए 1,000 rupees आपका टोटली इंक्रीज हो जाएगा, जो कि आप देखें तो इसका ऑन रोड प्राइस आपको 2 lakh के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा, बट आपको अदर मॉडल की ओर देखें तो उसका आपको ऑन रोड प्राइस 1,99,000 में ही देखने को मिल जाएगा हमारे नियर सिटी शोरूम रांची में। हर एक बाइक में आपको सिंगल स्टैंड ही देखने को मिलेंगे। इसमें आपको मिडिल स्टैंड नहीं देखने को मिलता है, बट आपको साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। हर एक बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलेंगे, जो कि इस बाइक का आप एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। और मैं अगले वीडियो में इस बाइक का आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी बताने वाला हूँ, जिस वजह से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने वाला है कि ये बाइक आपके लिए कितना ज़्यादा बेस्ट होने वाला है।
अब आप इस बाइक का मीटर कंसोल को देखते हैं, उसके बाद आपको मीटर कंसोल में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं ऑन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको हाई बॉडी का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ कि आप अपना नाम लिख सकते हैं। इधर आपको डिजिटल में फ्यूल गेज देखने को मिलेंगे, आपको टैकोमीटर जो कि आपको फुली डिजिटल में मिलेगा। इधर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, इधर आपको टोटल किलोमीटर आप कितना ट्रेवल किए वो आपको दिखा देगा, और साथ साथ यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ से कि आप अपना कॉल SMS अलर्ट का ऑप्शन देख सकते हैं, बैटरी इंडिकेटर आप देख सकते हैं जो भी आपके मोबाइल में दिखा देता है, आपको कूलेंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साइड की ओर देखें तो आपको काफ़ी कुछ इंडिकेशन दिए गए हैं, जैसे कि आप न्यूट्रल इंडिकेशन देख सकते हैं, आपको इंजन मैलफंक्शन लाइट का इंडिकेशन, ABS वार्निंग लाइट, लो बीम, आपका हाई बीम, और ये आपका लेफ्ट टर्न और राइट टर्न का इंडिकेशन दिया गया है। इसमें आपको टैंक पे ही इसका की देखने को मिलेगा। स्विच गियर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखा गया है, जो कि आप इसका स्विच गियर क्वालिटी देख सकते हैं। ये आपका जो प्लेस किया गया जस्ट अपोजिट कर दिया गया दूसरे बाइक के रिगार्डिंग, आपका इंजन किल स्विच ऑन ऑफ करने का स्विच, और यहाँ से आप इसको सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। इसका फ्रंट लुक देख सकते हैं, जो कि फ्रंट में आपको फुली LED लाइट सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देखने को मिलेगा। तो मैंने गाइज इस बाइक में जितना भी डिटेल था वो आपको बता दिया है, जितने भी कलर ऑप्शन आते हैं वो आपको मैंने दिखा दिया है, और साथ साथ हर एक कलर में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेंगे फीचर्स के मामले में वो भी मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मेरा वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको किसी भी प्रकार के वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।